लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भारत दिल है उस पूरब का, जिस पूरब ने हर ज्ञान दिया। दिए बुद्ध मुहम्मद और ईसा, गीता बाइबल कुरान दिया। ये कहानी उसी पूरब से शुरू होती है, उसी भारत से, उन दिनों से जब ये देश गुलाम था, यहां अंग्रेजों का राज था। मगर ये देश गुलामी की नींद से जाग चुका था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहू,
सरनाम को भेजना। जी। गंगा जी पिताजी, हरनाम होम आया है। होम? हाँ, उसे जाकर सावधान कर दो कि अंग्रेज सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी उसे पकड़वाएगा उसे 1000 रुपए इनाम मिलेंगे। जा बेटे जा, उसे कह दो उसके लिए घर में रहना ठीक नहीं है, सावधानी से बाहर निकल जाए। जी पिताजी। गंगा, मैं रास्ते पर यही सोच रहा था कि घर पहुंचूंगा तो आने वाले मेहमान की नन्ही मुन्नी आवाज सुनाई देगी, और ये भी सोच रहा था कि अगर बेटी हुई तो हम उसका क्या नाम रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो हम उसका क्या नाम रखेंगे। ये लो। आपको आने वाले की सोच है और मुझे मुझे हर समय आपकी चिंता लगी रहती है। आखिर ये दौर कब खत्म होगी? गंगा, अपने इस आंदोलन ने अंग्रेज राज की जड़ें कमजोर कर दी। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर अंग्रेजों के खिलाफ बस एक ही नारा है कि हिंदुस्तान छोड़ दो। अब हमारा देश बहुत जल्द आजाद हो जाएगा। आहिस्ता बोलिए, पुलिस ने आज धमकी, आज 3 चक्कर लगा चुकी है। मैं जानता हूं गंगा, अब मैं 1 हफ्ते के लिए इलाहाबाद में ही रहूंगा, वही चौक बाजार वाले ठिकाने पर। ये खत कब आया? आज। किसका पत्र है? लंदन से शर्मा का है। क्या लिखा है? लिखता है, लंदन में रहते हुए भी बनारस की याद आती है, कॉलेज में तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मुझे याद है। पगला कहीं का, गया था पढ़ने के लिए, शादी करके वहीं बस गया। अच्छा गंगा, मैं चलूं। पिछवाड़े से ही निकल जाता हूं। अरे गंगा, क्या हो गया तुझे? पतली चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखूंगा। गंगा सर, मेरा इनाम पक्का है ना? ये ये पानी में छुप गया होगा, तलाश करो उसे। ना तुमने जहां कहीं भी छुपे हो बाहर चले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। 1 2 नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
पल ही पल में सब कुछ उजड़ गया। कुछ दिन पहले सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं रहा। न पति न घर, मायके से तो बिचारी का पहले ही कोई नहीं था। और अब ये पहाड़ सा जीवन, ये नन्ही सी जान, क्या होगा अब इसका? हरिओ गंगा बेटी, भगवान ने तुमसे सुहागन का रूप छीन लिया। पोछ डाल ये बिंदिया, पोछ डाल सिंदूर, पोछ डाल बेटी। मौसी, ये बिंदिया और सिंदूर पोछ डालो, मिटा दो इन्हें। ना मौसी ना, जिसका सुहाग अमर हो उसे ऐसा कहना अपशगुन होता है। बलिदान का अपमान नहीं किया जाता। ये बिंदिया हमेशा रहेगी, ये सिंदूर हमेशा रहेगा। धन्य हो गंगा, धन्य हो। तुम सुहागन थी, सुहागन हो, सुहागन रहोगी। धन्य हो, धन्य हो। तो ओम भैया के बारे में पुलिस को खबर आपने दी? उनकी जान पुलिस ने नहीं बल्कि आप। कौशल्या आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। सरकार मुझसे बहुत खुश है, उन्होंने मुझे बेशुमार दौलत दी है। चलो यहां से कहीं और चले, इस घर से दूर, इस शहर से दूर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बिल्कुल जाहिल हो, अपना नहीं तो ओंकार का सोचो, उसका सोचो जिसे तुम जन्म देने वाली हो। कौशल्या, दौलत पास हो तो बच्चों को दुनिया की हर चीज मिल सकती है। मेरे पिता तो जिंदगी भर राम राम करते रहे, लेकिन मैं अपने बच्चों को वैसे पालूंगा जैसे अंग्रेज पालते हैं। कौशल्या, मेरे पास अब बहुत पैसा आ गया है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। जिसका पति अच्छा हो ना, उसे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। आज ओम भैया नहीं, मगर गंगा बहन की मांग में सिंदूर है। उनके माथे पे बिंदिया आज भी चमक रही है, वो आज भी सुहागन है। अगर तुम्हारे माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर सुहाग की निशानी नहीं कलंक है तो मिटा दो इसे। पिताजी कह रहे थे कि देश में मरने वाला कभी नहीं मरता। मरता तो गद्दार है। मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। हाँ, अगर मैं गद्दार हूँ तो मिटा दो इस कलंक को। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर कलंक है तो मिटा दो इसे। जीती रहो बहू, जीती रहो। हरनाम, अच्छा हुआ ये दिन देखने के लिए तुम्हारी माँ जीवित नहीं, नहीं तो उसे भी तुमने मार दिया होता। जाओ गंगा के चरण छूकर उससे क्षमा मांगो। मैंने कोई पाप नहीं किया। हरनाम, जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया वो नादान है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। परंतु तुम जानते हो तुमने क्या किया। प्रणाम, जब पश्चाताप नहीं तो प्रायश्चित भी नहीं, और जब प्रायश्चित नहीं तो तुम भी नहीं। कल सारी नगरी जान जाएगी कि तुमने क्या किया। यदि सरकार देशभक्तों की जान ले सकती है तो देशभक्त भी देशद्रोही को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो गंगा का तो घर भी जल गया, वो मंदिर में है, मैं उसे यहां ले आता हूं। अब वो यहीं रहेगी। Thank you.
ओंकार मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा। मेरा इस शहर से, इस घर से, इस परिवार से कोई संबंध नहीं। समझ लीजिए मैं आप लोगों के लिए मर चुका हूं। मैं वापस नहीं आऊंगा। हरनाम। गुरुजी, आप हर साल बद्रीनाथ जाते हैं, इस साल नहीं जाएंगे? जाऊंगा, जब बहु को ओंकार मिल जाएगा तो अवश्य जाऊंगा। 3 महीने हो गए हर नाम को गए हुए, हर जगह तलाश किया, घर में कोई तस्वीर भी नहीं जो किसी अखबार में छुपवा दे। भगवान जाने कहां होगा, लौट कर आएगा भी या वो आएगा? दोष हर नाम में, संस्कार तो निष्पाप है। गुरु जी बधाई हो, कौशल्या ने बेटी को जन्म दिया है। बहुत तो ठीक है ना? जी हाँ, माँ और बेटी दोनों ठीक है। हरि ओम, हरि ओम। बाजार लेकर आ रहे हैं, भारत कहाँ है? 26 जनवरी के उत्सव में भाग लेने के लिए भारत और गोपी दोनों दिल्ली गए। आज 26 जनवरी यानी भारतीय गणतंत्र वाले शुभ दिन, इस अखिल भारतीय युवा सम्मेलन की रजत जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी दिन दिन प्रांतों से आए विद्यार्थी इस सांस्कृतिक गीत संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जी हाँ, मुकाबला आज भी है। मिस्टर अनासर, वी वांट इंग्लिश। यस, वी वांट इंग्लिश। वी वांट इंग्लिश। वी वांट इंग्लिश। ओके ओके, स्टूडेंट्स रिलैक्स नाउ। Dear friends, all that I said. Hindi mein bolo. Hindi mein bolo. Hindi mein bolo. Hindi. 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 Hindi.
Now listen, अब सुनिए। वो लोग जो आपके सामने अपना प्रोग्राम देने वाले हैं, उनका कहना है, the team which has to perform now conveys, हम उस ज़बान में अपना प्रोग्राम देंगे जो हमें अच्छी तरह समझ में आती है। We'll present our item in the language best known to all of us. अगर किसी की समझ में ना आए, if anybody fails to understand, उसका तर्जुमा कर दिया जाएगा। That will be translated. Do you permit? आप लोगों की आज्ञा है? बहुत खूब, very good. नहीं तो आज ये भाषा भाषी की समस्या, otherwise this very language problem, दूसरी योजनाओं की तरह, like other plans, आज के इस प्रोग्राम का भी सत्यानाश कर देती। It would have ruined this program also. अब तैयार हो जाइए. Please get ready now. Curtain, पर्दा. पूरब में सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई चमक उठा सिंदूर गगन पे पश्चिम तक लाली छाई चली हाँ पहन चली हो रे दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली बाहों में लहराए गंगा जमुना देख के दुनिया डोली दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली महल जैसी ताजा है सूरत चलती फिरती अजंता की मूरत मेल मिलाप की मेहंदी रचाए बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग चमके जो हिमालय की चोटी होना पड़ोसी की नीयत खोटी वो घर वालों जरा इसको संभालो ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली वो पहन चली तीन रंग की चोली सजेगी अभी और संवरेगी चढ़ती उमरिया है और निखरेगी
अपनी आजादी की दुल्हनिया जिसके बोध भगत सिंह उसका फिर क्या कहना उसका फिर क्या कहना जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा सेना चलती है लेके तिरंगा सेना चलती पहले हैं भारतवासी सबसे पहले हैं भारतवासी सबसे पहले हैं भारतवासी सबसे पहले हैं भारतवासी सबसे पहले हैं भारतवासी तो वो भी से प्यार करता है ना कितनी बार पूछोगे यार तो उससे कहते क्यों नहीं मैंने कई बार कोशिश की हाँ लेकिन क्या करूं बात तो कर लेता हूँ लेकिन आवाज नहीं निकलती ढोल यहाँ दिल्ली में बजाते और आवाज इलाहाबाद तक जाती है मगर गोपी से इतना नहीं कह सके कि तुम मुझसे प्यार करते हो तुम कह दो ना मैं अच्छा घर पहुंच के गुरुजी से बात करता हूँ और अगर गोपी ने ना कह दी तो गोपी और घर वालों का कहा टाल दे फिर भी तेरी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ गोपी यहाँ खड़ी हो किसी को फुर्सत है जो मुझसे बात करे अच्छा तो किसी की इतनी परवाह है तुम्हें मगर किसी को मेरी परवाह कहाँ एक बात पूछूं ऐसी कोई बात है जिसके लिए पूछना पड़ रहा है किसी के दिल की बात आसानी से नहीं कही जाती इसीलिए तो आज तक मैं भी नहीं कह सकी क्या नहीं कह सकी तुम जब से होश संभाला तुम्हें चाहा तुम्हें पूजा चुप क्यों हो गई क्या कहूं तुम्हारी तरफ से हाँ है ना यही तो मैं पूछना चाहती थी मगर डर था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ अगली कहीं की मैं क्यों बुरा मानने लगा मैं तो खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ दोनों की हाँ है घर पहुँचते गुरुजी से बात कर लेता नहीं नहीं अभी नहीं तो फिर कब तुम लंदन से लौटा तब तब तक तो मैं सूख के आधा चुप है हो जाऊंगा शामू सुना तुमने लो शादी की बात की और भाग गई ये उनका बड़ापन है माँ जो उन्होंने लिखा कि मैं लंदन पहुंच के उनके यहां रहूं अगर जरा सोचो क्या अपना जीवन दूसरों पर हमेशा बोझ बना रहेगा गुरुजी ने हमें पालने के लिए कितने कष्ट उठाए वो कभी एक स्कूल में पढ़ाते कभी दूसरे में हाँ जब तेरे गुरुजी कहीं नहीं जाते कहीं नहीं पढ़ाते कुछ भी नहीं कमाते तो मैं कहाँ से खाता हूँ
कौशल्या और गोपी का पेट कौन भरता है? गुरुजी, बेटे तुम पढ़ाई भी करते रहे और कमाते भी रहे, यदि हम तुम्हारे साथ न होते तो अब तक तुमने अपनी कमाई से उस टूटे हुए घर की जगह एक नया घर बना लिया होता। गुरुजी, अगर मेरी जगह आपका पोता ओंकार होता उससे भी आप ऐसी बातें कहते? यदि तुम ओंकार होते तो ये कहते कि दादा हमें पालने में आपने बड़ा कष्ट उठाया। भूलोगे क्षमा कर दीजिए। अब भावनाओं की बात सुन, शर्मा ने पत्र में लिखा है कि अगर ओम का बेटा लंदन में आकर हमारे साथ न रहा तो हम यही समझेंगे कि ओम के स्वर्गवास होने के बाद उसके परिवार ने हमारे साथ संबंध तोड़ लिया, और फिर तू उनके साथ रहेगा तो हमें भी ढारस रहेगी। अच्छा चाची, भगवान करे मेरे वापस आने तक ओंकार और हरनाम चाचा दोनों वापस आ गए। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? सोच रहा था बेटा, एक समय था जब दूर दूर देशों से लोग यहाँ आते थे शिक्षा लेने, विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष के सिवा और कोई स्थान नहीं था, और अब समय यह आ गया है कि इस देश से लोग बाहर जा रहे हैं ज्ञान लेने। ज्ञान नहीं गुरुजी, विज्ञान साइंस आज जरूरत है ना। मुझसे संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृति पा गए, तुम नहीं भूलते मैं भूल जाता हूँ। अच्छी तरह बेटा, इसे साथ लेते जाओ, श्रीमद् भागवत गीता। बेटा जीपी शर्मा कहते हैं। चाचा जी, डैडी मुझे भी इनसे मिलने दो। मिस्टर आई एम हिज ऑर्फन जी, मेरा मतलब है मैं इनका यतीम बेटा हूं। माय नेम इज ऑर्फन। बेटा है मेरा, मां भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूं, फिर भी अपने आप को यतीम कहता है। लिबास देखा है इनका, ये यहां का फैशन है, या आए दिन नाम और लिबास दोनों बदलते रहते हैं। नाम यतीम, जात हिप्पी। Why not? It's a fashion here. जहां लाइफ पार्टनर्स बदल सकते हैं तो नाम क्यों नहीं? फिर मेरे अंदर मम्मी और डैडी दोनों का ब्लड मौजूद है, वरना मैंने अब तक मम्मी और डैडी दोनों बदल दिए होते। क्यों मिस्टर, बॉय फ्रॉम इंडिया, हाउ डू लाइक माई थॉट? बेटे सामान उठा। What? Please. That's better. That's sensible. Yes, come on. ये है तुम्हारी आंटी डार्लिंग भारत। हेलो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या ढूंढ रहे हो? बेटे यहाँ पहुंच होने का रिवाज नहीं, मैं जो हिंदुस्तान में जन्मा पला, जब मैं ही भूल गया कि छोटे बुजुर्गों के पांव पर हाथ लगाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो इसका क्या कसूर? इसने उसके माँ बाप ने तो हिंदुस्तान देखा तक नहीं। वैसे है हिंदुस्तानी डार्लिंग, वो प्रीति भारत जी, वो है मेरी बेटी प्रीति। प्रीति we'll be right back.
गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं लालचंद जी? जी आपने मुझे लालचंद जी कहा? सर लाइफ में पहली बार लालचंद के साथ जी लगा। क्यों? 14-15 ईयर्स का था जब साहब के साथ यहाँ चला आया। उस वक्त बच्चा था, वहाँ कोई जी कहता नहीं था और यहाँ जी कहने का रिवाज है ही नहीं। हाँ कभी कभार कोई मिस्टर मिस्टर कह देता है। आपकी पत्नी बच्चे? पत्नी? हाँ पत्नी है लेकिन चाइल्ड नहीं। आपकी पत्नी कहाँ है? बनारस में। बनारस में? सर 8 इयर्स का था जब मेरी शादी हो गई लेकिन गौना नहीं हुआ। गौना? व्हाट गौना? बचपन की शादी के बाद लड़का जब जवानी में कदम रखता है तो अपनी पत्नी को घर लाता है। इसे गौना कहते हैं। वेरी फनी। मैंने बचपन छोड़कर जवानी में कदम रखा, जवानी छोड़कर बुढ़ापे में एक नहीं 2-4 कदम रखे लेकिन गौना नहीं हुआ। मिस्टर लालचंद इज यहाँ, मिसेस लालचंद इज वहाँ। तो आप बनारस क्यों नहीं चले जाते? साहब के साथ जब यहाँ आ रहा था तो मेरे फादर ने कहा था साहब की ऐसी सेवा करना जैसे जंगलों में राम की सेवा हनुमान ने की थी, और ये भी कहा था कि साहब को छोड़ना मत। साहब यहाँ से गए नहीं तो मैं कैसे जाऊं? मैं साहब का हनुमान हूं ना। हनुमान? व्हाट हनुमान? सर हनुमान को समझने के लिए पहले राम को समझिए। राम? कौन राम? रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। समथिंग समथिंग राम, समथिंग समथिंग सीताराम। नाइस कॉम्बिनेशन। शंकर। हेलो बॉय फ्रॉम इंडिया। सो कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। वेरी गुड। इसे लॉन्ग वॉक कहते हैं। क्यों? है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है। और ये यहां के बादशाहों का महल, विंडसर कासल। ओ पापा प्लीज, चलो कहीं और चलो ना। भारत हमारा गेस्ट है, आस्क हिम, ये क्या देखना चाहता है? आप क्या देखना चाहेंगे? What you want to see? सुना है विलियम शेक्सपियर का घर बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो तो बहुत दूर है। आप भी पापा की तरह बिल्कुल ओल्ड फैशन्ड है। तो फिर आप वहां ले चलिए जहां आपका मन करे। माय मन। प्रीति भारत के मन की मान लो। अच्छा जी, तो फिर आप अपने मन की कहिए। लेकिन माइंड यू आई लाइक एक्साइटमेंट। तो मैं अपने मन की कह दूं? मुझे आप वो जगह दिखाइए जहां उधम सिंह खंबोज ने अपनी कसम पूरी की थी। सिंह? बट व्हाट सिंह? उधम सिंह। एंड व्हाट कसम? जो उसने जलियांवाला बाग में खाई थी। व्हाट बाग? जलियांवाला। ओह। जो अमृतसर में है। व्हाट सर? अमृतसर। बट वेयर इज दैट? जो भारत में है। अब ये मत पूछिएगा कि भारत कहाँ है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? My name is OP. OP मतलब ओम प्रकाश ओंकार प्रसाद या? No. Just OP. That's all. OP. कहाँ के रहने वाले हैं आप? लंदन। लंदन में तो आप रहते हैं वैसे, भारत में कहाँ? भारत? Oh, you mean India? No. मैंने आज तक नहीं देखा।
मैंने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, लेकिन उसने देखा है। Yeah, he has seen it. Hi, man. Hi. Meet Bharat. Hi, Bharat. क्या नाम बताया आपने? मन। जी मोहन, ये राधा, गोपियां। बात पसंद आई? जी। By the way, this is Christina. Hi. पिया? जी मैं नहीं पीता। Can I have a cigarette? मैं सिगरेट भी नहीं पीता। जब मैं आया था मुझे भी हर चीज से परहेज था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। डोंट वरी, कुछ ही दिनों में तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। गाड़ी लेकर नहीं आती, तुम चलकर मेरे फ्लैट में इंतजार करो। आप लोग चलिए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। Well, if that suits you, okay by me. Come on, love. मोहन बेटा। ओह, तुम फिर आ गए? कितनी बार तुमसे कहा तो मेरा पीछा मत किया करो, जब देखो हाथ फैलाए चले आते हो, भिखारी कहीं के। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहां से। Get lost! Come on, darling. Baba. मैं चला जाऊंगा, हर रात की तरह, हर दिन की तरह, आज मैं बगैर मार खाए ही चला जाऊंगा। सुनिए, मोहन ने ठीक तो कहा था, आप देश से विदेश आकर अपने देश को बदनाम क्यों करते हैं भीख मांगकर? मैं भिखारी जरूर हूं, मगर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं मांगता। तो क्या मांगते हैं? अपनी बेटी की जिंदगी, अपने दामाद मोहन से। जी हाँ, आज से 5 साल पहले मेरी बेटी का ब्याह मोहन से अपने देश भारत में हुआ था। शादी के 4 महीने बाद ये यहां पढ़ने के लिए आ गया, सिर्फ 2 साल के लिए, और अभी तक वापस नहीं गया। अपने माँ बाप का कहा भी नहीं मानता। मेरी बेटी इसके बेटे को अपने सीने से लगाए दिन रात रोती रहती है।
पांच बरस से इसकी राह देख रही है, ये वापस नहीं जाता, ये वापस नहीं जाता। तो आप मोहन को वापस ले जाने के लिए आए हैं? हाँ। और गंगा मैया की सौगंध खाकर आया हूँ कि उसको वापस लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे मारा नहीं और मेरी बात भी सुनी, वरना मोहन की तरह से जो भी आया उसने मुझे मारा। तुम नए नए आए उसकी सोबत में। इस शहर में ही नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हो? इलाहाबाद। गंगा की नगरी बड़ी पवित्र है, मगर मैं इतना ही कहता हूँ बेटे कि जब यहाँ से जाओ तो इतने कलंक साथ लेकर मत जाना जिन्हें गंगा मैया भी ना धो सके। बाबा मैं मोहन से कल ही मिलूंगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी अपनी बेटी को हर रोज यही लिखता हूँ कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ अब कुछ ठीक नहीं होगा, फिर भी कोशिश करो। मैं जरूर करूंगा बाबा, मैं चलूं। जीते रहो। You old man, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मैं तुम्हारी बेटी का पति हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरे बारे में किसी से कुछ कहा तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कहूंगा, जरूर कहूंगा, सारी दुनिया से कहूंगा। भाई साहब ये मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति, ये वासना का मारा हुआ एक निर्दोष को छोड़ कर दूसरी को दोषी बना रहा है, इसका एक बेटा भी है। मैंने कह दिया है अब मार मार, तेरे में हिम्मत है तो कमी ले मुझे मार। तेरे दादा दामाद देकर जिसको भगवान ने पहले ही मार डाला हो उसे तू क्या मारेगा? कौन से कुत्ते पे अपना माल लगाया? इस बार किसी कुत्ते पर नहीं लगाया, अपनी भेड़क चल रही। Excuse me. Please one. डैडी कम से कम आज तो बता दीजिए कि आपका कुत्ता कौन सा है। बेटे जिंदगी भर डैडी से पूछते रहोगे तो खुद क्या करोगे? और डैडी लेकिन कुत्तों से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन कुत्तों से मेरा हमेशा फायदा हुआ है, मैंने इनसे बेशुमार दौलत कमाई। डैडी मैं फिर हार गया। मैं फिर जीत गया। डैडी कह गए हैं
कि भारत को लेकर इंडिया क्लब पहुंच जाना, वो हमें वही मिलेंगे जी। ये नॉवल कौन सी जबान में है? ये नॉवल नहीं, गीता है। मैंने नॉवल का नाम नहीं ये पूछा है कि नॉवल कौन सी जबान में है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये नॉवल नहीं, गीता है। गीता? ओ, इस नॉवल की हीरोइन का नाम गीता है। टी फॉर यू। लाओ लालचंद, आप भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानती? सर, ये सीता के बारे में भी कुछ नहीं जानती। सीता? सीता को जानने के लिए रामायण पढ़िए और गीता के लिए महाभारत। What भारत? कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए, जल्दी जाना है। नावल। हेलो शर्मा। हेलो एचआर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीट मिस्टर भारत। हेलो, इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद? आप कहाँ के रहने वाले? लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता। भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया था। गंगा भाभी का गुरुजी का क्या लिखा है? आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। ओम जब मिस्टर बनारस से पढ़ता था उसे भी इलाहाबाद से गुरुजी के खत आया करते। आप गुरुजी से कभी नहीं मिले? नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हों। जी, और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। काली मत दो जी। जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भरा अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला? जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है। सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा,
यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मन की आंखें खोल बाबा। डार्लिंग प्लीज बंद करो इसे, लेट मी स्लीप। मैडम, आज से कई बरस पहले जब मैं हिंदुस्तान से आया था तो ये रिकॉर्ड अपने साथ लाया था, सुना करता था। आज फिर से एक बार सुनने को जी चाह रहा है। तुम सो जाओ। बाबुल मोरा, बाबुल मोरा, मोरा नहीं है छोटो है जा। बाबुल मोरा नहीं है छोटो जा, कहा रे मोरे
दुनिया जावे रे यार कहा मैंने मोरे दुनिया। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पहले तो सोचा कि तुम्हें कॉलेज में जाकर मिल लूं, बाद में सोचा कि तुम 4 बजे स्टेशन पर आते हो, यहीं मिल लूंगा। आप कुछ परेशान से हैं? हाँ बेटा, मोहन उस प्रकटी के साथ 2 दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है। कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता, और साथ में प्रीति और उसका दोस्त भी जा रहे हैं। हाँ, तो जाने दीजिए। जिसने मुझे ये सब बताया उसने साथ में ये भी कहा है, साथ में ये भी कहा है कि मोहन शायद वहां उस पारकटी से शादी कर ले। अरे रामा, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, अरे रामा, अरे रामा, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। पश्चिम चांद तक तो पहुंच गया, मगर मन की शांति और भगवान को पाने के लिए अब इस रास्ते पर चल पड़ा है। के वाह वाह, और एक मैं हूं कि सिर्फ झाकी मार रहा। वेल कैरी ऑन। देखो प्रीति, चलो शादी कर। क्यों? क्यों नहीं? मैंने कहा ना, शादी उससे करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा। लेकिन तुम्हें प्यार कब होगा? हो जाएगा, लेकिन कब? व्हाट्स द हरी? कम ऑन प्रीति, यू आर टू स्लो। मोहन और क्रिस्टीना को देखो ना, मिले, प्यार हुआ, और अब अगले संडे को शादी कर रहे। Father-in-law? Yes. क्या कह रही है? कुछ नहीं बाबा, आपका और मोहन का रिश्ता समझा रहा था। बेटी, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बेटी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। He is begging for the happiness of his daughter. Let me think. Let me think. चिंता मत करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा।
थैंक यू। मन हाय, हियर योर बियर। चीयर्स। चीयर्स यार। कुछ दिनों से क्रिस्टीना का मिजाज ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कहती है शादी मंदिर में करूंगी। व्हाट, इंडियन टेंपल? यहाँ कुछ सरफिरे अंग्रेज हैं जिनको हिंदू बनने का शौक पैदा हुआ है। उन्होंने यहाँ एक कृष्ण का मंदिर बनाया है और कृष्णा कहती है शादी में वहीं करूंगी। और मुझे तो शर्म आती है यारो, दोस्तों से क्या कहूं, मेरी शादी है मंदिर में है ना। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे कृष्णा। This is your wife and son. कह रही है ठोकर का जवाब इसको ठोकर से दो। नहीं 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 नहीं, इससे कह दो कि पति आज भी इसके लिए ईश्वर है और ईश्वर को हिंदुस्तानी कभी ठोकर नहीं मारता। मोहन, ये मेरी बेटी है, मैं इसके आंसू देख सकता हूं। एक बार नन्हे को अपने सीने से लगा लो, एक बार लगा लो बेटे, लगा लो। मेरी मेम बेटी, तेरा देसी बाप क्या करे, किस भाषा में तेरा धन्यवाद करे। क्रिस्टीना, he says, oh, I have understood,
understood by the face, by the eyes, by the tears. Human beings always understand the language of humanity. Baba, ये कह रही है कि इंसान इंसानियत की भाषा समझ लेता है. Air India announces the departure of their Boeing flight number 506 to New Delhi. All passengers are requested to proceed to gate number 4 to the immigration and passport control counters. Thank you. चलिए. बेटे, यू इंडिया कहाँ? जी मैं इंडिया क्लब से बोल रहा हूँ. शर्मा सर है जी? वो तो अभी तक नहीं आए जी. एक बज गया है और क्लब बंद हो चुका है. और प्रीति यहाँ. डोंट यू वरी. हेलो हेलो. मैं ले जाऊंगा जी. यस यस सर. क्या कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तो फिर किससे करती हो? किससे भी नहीं, लेकिन सुनो भी, भारत एक अच्छा दोस्त है. अच्छा अच्छा अच्छा. प्रीति, मुझसे अच्छा कोई नहीं. लीव मी. आज नहीं, आज नहीं. All right. चलो बेटे. चले जाओ यहां से. Bye.
थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड्स, लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु, देन आई विल टीच यू। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तुम्हारी सोबत में इंसान बन गया, अगर तुम चाहो तो प्रीति का जीवन भी सुधर सकता है। मैं समझा नहीं बेटे। दोष बच्चों का नहीं,
मैं ही सब कुछ भूल गया था। तुम आए तो धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा, और जब याद ही आ गया तो ये बाप अपनी बेटी की शादी पर एक गवाह की हैसियत से रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करेगा। बेटे, मां बाप बेटी का कन्यादान करते हैं ना? चाचा जी। बेटे, मैं जानता हूं। बेटे, हूं तो तुम्हारे पिता समान, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है। चाचा जी, चाचा जी, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है। मेरे बारे में जो फैसला करना चाहें आपको और गुरुजी को लिख दीजिए। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। ये लो, गंगा भाभी और गुरुजी का खत। उनकी हां के बाद तुम ना नहीं कहोगे। खाना होता है मक्की की रोटी, सरसों का साग, पुदीने की चटनी, उड़द की काली दाल। मुंह में पानी आ रहा है। ओ ला ला, खाया नहीं तो पता क्या है? His, everything his, मेरा कुछ भी नहीं। भगवान तुम्हारी भी रक्षा करे। ओह, यू एंड योर इंडियन भगवान, इंडियन स्टाइल। नाउ लेट्स वॉक English style. Oh, okay. चलिए Indian style.
हेलो मिस्टर भारत है साहब अभी आए नहीं जब आए तो उन्हें कहना इंडिया सोने के बनने के लिए आया है और उनके लिए उनको सामान भी लेके आया है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग कि मिस्टर भारत से कोई कंट्री भारत से मिलने आए और कहना है कि शाम को 8 बजे उन्हें मैं गोवा क्लब में मिलूंगा क्लब का नाम गोवा आपका नेम प्लीज अनिल शर्मा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग Thank you.
Monsieur, pour l'amour de Dieu, chantez-moi pour la dernière fois notre chanson, s'il vous plaît. Je veux dire que la dernière fois, Ram Dhun gao. Rupati Raghav Raja Rupati अच्छा हुआ कि कुत्तों से कमाई हुई दौलत इस वक्त काम में आ गई, वरना वो लोग पुलिस के आगे तुम्हारा नाम ले देते। So what? मुझे पुलिस का डर नहीं। वो लोग मुजरिम को कुर्सी पर बिठा देते हैं और बटन दबाने के बाद जान जाने में देर नहीं लगती। कोई बादर्श, मुझे मौत का भी डर नहीं। Come on, take it, my boy, take it. Come on. खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात की तो, तू तो मेरी जिंदगी की कमाई। मैंने जिंदगी में कुत्तों से भी कभी इतना प्यार नहीं किया, जिन्होंने मुझे बेशुमार दौलत जितवाई। डैडी, मुझे भी जीत पसंद है। मैं जिंदगी में हार नहीं देखना चाहता। आई हेट डिफीट। हेलो हेलो भारत, मैं एचआर बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर आप ठीक समझें तो कल घर पे आ जाऊं। घर बहुत दूर है, बात बहुत जरूरी है। जी मैं आता हूँ। आने का शुक्रिया। वन मिनट।
बेचारे की माँ अभी अभी मर गई है। आओ हम लोग चलें। तुम यहाँ क्या पी सकते हो ये पूछना बेकार है। तुम इस माहौल से बहुत दूर रहे। प्रीति को ये सब पसंद है। ये ओपी मेरा बेटा है। ये उसे भी ये पसंद है। जी। प्रीति और ओपी अच्छे दोस्त थे। तुम बीच में आ गए। उसके रास्ते से हट जाओ। मेरा रास्ता लगा। मैं कुछ दिनों बाद वापस जाने वाला हूं। प्रीति को भूल जाओ। आप शायद नहीं जानते वो मेरी होने वाली पत्नी है। यहां पत्नी भी दाम पर मिलती है। होने वाली की तो बात ही क्या। मुंह मांगी दौलत दूंगा। जब तुम्हें दौलत मिल जाएगी तो एक प्रीति क्या, चारों तरफ प्रीति प्रीति लड़कियां होंगी। अगर ऐसे ही है तो सब कुछ आप ओपी को क्यों नहीं देते। वो बेवकूफ है। उसे सिर्फ प्रीति चाहिए। थोड़ी देर बाद शायद आप ये भी कहेंगे कि प्रीति भी बेवकूफ है क्योंकि उसे ओपी की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। जी मैं जा सकता हूं। यूं ही जाना था तो आए क्यों थे। आया आपके बुलावे पे था। जाना अपनी मर्जी से। धन्यवाद। शंकर तुम्हें क्या हो गया है। हरे राम हरे राम। What? रामा रामा हरे हरे। मैं पूछती हूँ तुम्हें हो क्या गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। What's wrong with you? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पागल तो नहीं हो गए हो। हरे राम हरे कृष्ण। He's gone mad. पागल हो गया है। पागल हो गया है। पागल नहीं हुआ। अकल आ गई। साफ अकल आ जाएगी। What? कुछ नहीं। अपना बेटा तो किसी काम का रहा नहीं। अब जल्दी से प्रीति की शादी कर दें ताकि भारत बिजनेस संभाल सके। भारत क्यों नहीं। जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने भी तो डैडी का बिजनेस संभाला था। जरूरी नहीं जो गलती मैंने की थी वो भारत ही करे। गलती इसमें क्या गलत है। नहीं मगर मुझे वापस जाना है। कहाँ। अपने देश इंडिया। हाँ क्यों। यहाँ पढ़ने के लिए आया था। एक महीने बाद इम्तिहान है। फिर वापस जाना है। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो। शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा। अगर शादी होगी तो यहीं होगी और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। कन्यादान के बाद माँ बाप बेटी को घर तो नहीं रखते। I am shocked। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया। इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं पढ़कर यहीं रह जाते हैं यहीं काम करते हैं। Brain drain. You shut up. हरे राम हरे कृष्ण। इसने ठीक ही तो कहा है। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। जब एक आदमी पढ़ लिख के यहाँ काम करने लगता है ना यहाँ दो हाथ और एक दिमाग बढ़ जाता है। वहां घट जाता है। वहां जाकर कोई करेगा भी क्या। वहां है ही क्या। भूख बेकारी रहने के लिए मकान नहीं खाने के लिए अनाज नहीं। वहां रहकर तुम इतना भी नहीं कमा सकोगे कि मेरी बेटी के लिए मेकअप का सामान खरीद सको। आप चिंता मत कीजिए। वहां प्रीति को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। What nonsense। तुम मुझसे शादी करोगे या वापस जाओगे। शादी के लिए मैंने इनकार नहीं किया अगर मुझे वापस जाना है तो ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी ये आपका फैसला है।
मुझे वापस जाना है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम मत छोड़। मैं भी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे मुझसे ज्यादा अपने देश से प्यार हो। Forget it. हरे राम, हरे कृष्ण। रीटा, खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझो। मान लो जो भारत कहता है, चलो इसी बहाने हम भी वापस अपने देश लौट चले। What? यहां पर रहना कोई क्राइम है, पाप है? रहना पाप नहीं, लेकिन रहते रहते इंसान अगर अपने आप को भुला कर रहे वो पाप है। कौवा जब हंस की चाल चलता है। ओ डार्लिंग, प्लीज डोंट बोर मी। रीटा, प्रीति की ये जिद है, वो भारत से शादी करेगी। माय फुट, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया, जब अपनी नजर में गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, सर आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। धन्यवाद, इसी दिन का इंतजार था।
कि तुम पास हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ भारत चलूं। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल कल किस लिए? आज क्यों नहीं? तुम वापस अपने देश जाना चाहते हो ना? चले जा। गो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यस। यू डू लव मी। लेकिन मुझसे ज्यादा तुम अपने देश से प्यार करते हो। देश अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारा देश मर जाएगा, और अगर वापस चले गए तो मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। मेरी बेटी अगर मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा। आप लोग यही चाहते हैं ना, शादी करके यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं। मैं वचन देता हूं वहीं रहूंगा जहां प्रीति कहेगी। सच कह रहे हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मगर एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। क्यों? वहां एक परिवार है अपना, मैं चाहता हूं शादी से पहले चल के तुम उनका आशीर्वाद ले लो। प्रीति जाने में कोई हर्ज नहीं, इसी बहाने ताजमहल भी देखा ना। Oh mama, I'm so happy. भारत ये क्या वचन दे दिया तुमने? बेटे हिम्मत हार गए हो या मेरी मजबूरी के सामने सर झुका दिए? नहीं ये बात नहीं। तो फिर ये वचन क्यों दिया तुमने? तुम वापस यहां आओगे, यहां बस जाओगे? अगर प्रीति वापस आई तो। बेटे जो तुम सोच रहे हो अगर वो न हुआ तो? वचन दिया है वापस आऊंगा, मगर नहीं चाचा जी ऐसा नहीं होगा। अपने आंख मिट्टी की खुशबू है ना, वो तो अजनबी लोगों की सांसों में भी संस्कार भर देती है। ये मेरा विश्वास है। Oh,
जरा रुकना। आओ। ये सैड पोज में कौन है? ये सैड पोज नहीं, ये भक्ति रस है। व्हाट रस? भक्ति रस। डिवोशन। ये मेरा भाई है। मेरा भाई? यू मीन योर ब्रदर? नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई नहीं, ये मेरा भाई है। लहर पिया, भगवान को पा लिया। मुझे यहाँ नहीं रहना। अब अगर ताजमहल दिखा सकते हो तो दिखा दो। साथ रहेंगे, घूमेंगे। कहाँ? कहीं न ऐसी सुबह दे। Thank you.
मत भैया ताल से ताल मिलाना। हाँ भारत, गोपी ने मुझसे नहीं तुमसे प्यार किया है शाम।
लंदन जाने से पहले जब तुमने उससे मेरे बारे में बात की तो वो गलत समझ बैठी। तुमसे किसने कहा? खुद गोपी ने। भारत, जब लंदन से तुम्हारे रिश्ते का खत आया तो उस दिन वो बहुत रोई। जब तुम वापस आए तो प्रीति तुम्हारे साथ थी। प्रीति को देखकर गोपी ने अपना दुख जाहिर नहीं किया, वो अंदर ही अंदर घुटती रही। पर अब तो डॉक्टर भी घबरा गए। मैं समझ गया हूँ। क्या? कि शर्म यहाँ का सबसे अनमोल गहना है। गोपी, तुम्हारे इस नए जीवन पे शामू का अधिकार है। उसकी दिन रात की सेवा तुम्हें मौत के मुंह से बचा के ले आई। वो तुमसे प्यार करता है। हाँ गोपी, जीवन भर वो तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। चुप क्यों हो गई? गोपी, तुम्हें मेरी सौगंध। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सौगंध? दादाजी से कह दो
गोपी बेटी, हमें विश्वास था तो भारत का कहा नहीं टालेगी। इसी विश्वास पर तो हमने लग्न का दिन निश्चित कर लिया है। परसों का दिन बहुत शुभ है। तो श्यामू के पिता से कह देता हूं कि परसों का मुहूर्त पक्का है। हर नाम याद आ गया, शायद इसलिए कि वो गोपी का पिता है। जहर, LSD, ये तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हें प्रीति चाहिए, प्रीति मिलेगी। प्रीति, बेटी, आज तुम दोनों को श्यामू के यहाँ जाना है। यस मामी। ये लो साड़ी, रात को पहन लेना। लेकिन मामी, मैं तो साड़ी पहनती नहीं। मैं जानती हूँ, मगर परसों पहले इसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। सपने देखा करती थी कि कोई दूध में नहाई गुड़िया इसमें लिपटेगी, जो मेरे बेटे के दुख सुख की साथी बनेगी। लो, पहन लो। लेकिन मैंने कहा ना। I'm so sorry. ओ मेम जी। यस माय डियर। गाना सुनाऊं? इंग्लिश गाना। ओ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हम सिखाता। बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ऐसा नहीं, गाकर इंग्लिश ट्यून में हम सिखाता है। आओ। ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यू फूल, एवरीबॉडी इज ए फूल बेबी, एवरीबॉडी इज ए फूल बेबी। सभी से जवानी में होती प्यार की भूल बेबी, होती प्यार की भूल बेबी। ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। समझे मैडम? व्हाट? ओ सीधा कर दूंगा व्हाट बेबी, सीधा कर दूंगा व्हाट बेबी। यू मेम पच्छम की ते मैं पूरब का जट बेबी, ते मैं पूरब का जट बेबी। All right, I'll teach you something else. सिखाओ जी। Singing I, I, P, P, I. Singing I, I, P, P, I. चंगा। Jack Angel went up the hill to fetch a pail of water. Jack Angel went up the hill to fetch a pail of water. गाओ। आओ। ओए जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, फेच अ पेल ऑफ वाटर। ओए जैक एंड जिल वेंट अप द हिल यू इडियट। मैं नहीं, तू है इडियट बेबी, मैं नहीं, तू है इडियट बेबी। नारी होके पिए विस्की और
पिए सिगरेट बेबी और पिए सिगरेट बेबी ओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर व्हाट डू यू वांट आई want a chance baby I want a chance baby phir dekh meri taal pe kaise karegi tu dance baby kaise karegi tu dance baby oh twinkle twinkle little star how I wonder what you are how I wonder what you are about the world so high बहू हर नाम आया है अगर मैं गद्दार हूं मिटा दो इस कलंक को गोपी तेरे पिता आए हैं भैया ये गोपी है तुम्हारी बेटी तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद इसका जन्म हुआ हेलो ओंकार कहाँ है लंदन में साथ नहीं लाए यहाँ क्या रखा है तो तुम क्यों लौटा है तरस आ गया सोचा कि पहली और आखिरी बार कह दूं कि मेरे पास बहुत दौलत है चलिए अगर चाहो तो जिंदगी आराम से कट सकती है अरनाम तुम्हें अब भी धन का मान है क्यों ना हो अरे किस बात का मान गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने हम पर गंगा के सुहाग के हथियार तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की अगर आप सबकी यही राय तो ठीक है मुझे तो वापस जाना ही शाम को नहीं तो अभी चला जाऊंगा अरनाम वो जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया है वो नादान है उसे क्षमा कर देना चाहिए परंतु जो जानता उसने क्या कर दिया और फिर भी उसे पश्चाताप नहीं उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते भैया रुक जाओ भैया आज बड़ा ही शुभ दिन है गोपी का ब्याह है भैया भगवान ने कन्यादान के लिए खुद पिता को भेज दिया नहीं मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे गोपी कन्यादान पिता ही करता है कौन पिता वो जिसने दादाजी को दुख दिया वो जिसने मेरी माँ से सब सुख छीन लिए वो जिसने अपने बेटे को जीवन में पहली बार देखा मगर प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखा इसीलिए रोका था मुझे बेटी के आंसू देखकर भी यदि पिता का दिल न रोए तो वो दिल नहीं पत्थर है हरनाम तुम आज भी पत्थर हो चाचा जी लंदन में आपसे कई बार मुलाकात हुई मगर नहीं जानता था कि आप ही
मैं कुशल्या चाची से हमेशा कहा करता था कि हमारे लिए सबसे खुशी वाला दिन वो होगा जिस दिन ओंकार वापस आ जाएगा, उनकी मांग कर उठा हुआ सिंदूर वापस आ जाएगा। आप वापस आ गए हैं, ओंकार को वापस बुला लीजिए। इस महान है बड़े आंसू आए हैं बेटे के लिए। ड्राइवर चलो। आया था यहाँ बेटे की खुशी के लिए, बेटी सामने आ गई। बेटी के आंसू देखकर भी यदि पिता का दिल न रोए तो वो दिल नहीं पत्थर है, पर नाम तुम आज भी पत्थर हो। अरे किस बात का मान, गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने उन पर, गंगा से सुहाग के हथियार। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की? आदमी ने वर्षों अपने परिवार की खबर नहीं ली, कन्यादान के समय उसकी राह देखना मूर्खता है। प्रणाम भैया। आ गए। तुम यहां आ जाओ। Thank you.
एक्सक्यूज मी, वेयर इज हाउस नंबर 19? वो सामने है। हाँ, इसके डैडी ने इसे ट्रंक कॉल करके बुलाया है। तुम मेरी माँ हो? हाँ हाँ बेटे, बेटे ये तुम्हारे दादाजी हैं। आओ इनके पैर छुओ, आओ। व्हाट? दादा? डैडी आपने तो कहा था कि हमारा कोई नहीं, सब मर गए हैं, लेकिन आई सी। सुनो, मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरी माँ हो या नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे डैडी से अलग क्यों हुई? डैडी ने तो दूसरी शादी नहीं की, क्या तुमने दूसरी शादी? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, अपनी माँ से ऐसा नहीं कहते। बट वाई नॉट, ऐसा होता है। होता होगा, यहाँ नहीं। एनीहाउ, आज बहुत दिनों के बाद कुछ पिछड़े हुए लोगों से मुलाकात हुई है। लेट्स सेलिब्रेट। डैडी, आपकी पसंद का ब्रांड लाया हूँ, जरा ग्लास देंगी? क्या ग्लास? तुम बहू, बचपन में ओंकार जिस ग्लास में दूध पिया करता था, उसे संभाल के रखा हुआ है ना? जाओ ले आओ, आज बेटा उसी में शराब पिएगा। इन बातों में उलझ गया ये घर। गुरुजी, ओंकार आया है क्या? आप अपना कहा भूल गए हैं? यही ना, जब बहू को ओंकार मिल जाएगा तो मैं बद्रीनारायण के दर्शन को जाऊंगा। क्या बहू को ओंकार मिल गया? आपको अपने विश्वास पर शक होने लगा है? हरनाम, मुझे तो तीरथ को जाना ही है, अगर तुम चल सको तो। हम सब चलेंगे, और कल ही। हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे सच बोलूंगी, तुम कहोगे यहीं रह जाओ ना? यहां रहने के लिए मैं नहीं कहूंगा। सुना था ये देश स्नेक चामस का है, यहां सिर्फ सांप और सपेरे होते हैं। सांप तो है, लेकिन लोग उन्हें दूध पिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अजीब है, लेकिन इसमें भी एक बात है। ये भी सुना था कि यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं। सभी कुछ तो है, और फिर हर मुल्क में किसी ना किसी चीज की कमी तो होती ही है। भारत, हाँ? जानते हो यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है? यहाँ माँ बाप के लिए औलाद सब कुछ है, और औलाद के लिए माँ बाप। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं समझी थी,
इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वापस चली जाऊं। मैं आज तक अपने माँ बाप के साथ उनकी बेटी बनकर नहीं रही थी, अब रहूंगी, है ना? कुछ नहीं गैंडपा, मैंने सोचा आपको बाहर सर्दी लग रही होगी, अंदर आ जाइए, अंदर आग है। अभी शरीर में गर्मी है बेटा, जब ठंडा हो जाए तो झोंक देना आग में। नहीं नहीं गैंडपा, अच्छा आप यहीं सो जाइए। तुम भी सो जाओ बेटा, आज पहली बार पोते ने दादा का सोचा। वही आएगा जिससे तुम शादी करोगी। हाँ, कल सुबह अपने आप तुम मुझसे शादी करो। ओंकार, ये क्या अनर्थ है, छोड़ दो। ओ शूल्ड मैन, दफा हो जाओ। क्या, चले जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को। जानते हो कि नहीं? तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। अरे लगे तो नहीं बेटा, उठ उठ, ये क्या कर रहा था तू? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या रे कुलांगार, मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। तू मुझे बिस्ता। Damn you! मैन, अब भी चले जाओ। नहीं, अब भी चले जाओ। मैं इसे पकड़ रखता हूँ, तू भाग जा। लेकिन भाग जा, कहता हूँ चल, भाग जा। चलिए गुरुजी, बरसों ये आस लेकर जीता रहा कि एक दिन ओंकार आएगा, उसे साथ लेकर यहाँ आएंगे। हाँ, ओंकार भी आ गया। और चलो बेटा, मेरा प्रायश्चित हो गया गुरुजी, मैंने कोई अन्याय किया होगा, आज भगवान ने न्याय कर दिया। आप इसे न्याय कहते हैं गुरुजी? इससे बड़ा अपराध के पोता दादे पे हाथ। इसमें ओंकार का कोई दोष नहीं, दोष है उसकी शिक्षा का। हर नाम पच्छम पच्छम करता रहा,
क्या मिला पच्छम से उसे, पच्छम ने उसे क्या दिया? ये मिला है पश्चिम से, ये दुनिया को पश्चिम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली। तुम मर जा बेटी। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली। हट जाओ। मैं इसकी एक एक गोली जाया कर दूंगा। तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरि ओम। अंकल। हरि ओम। गुरुजी, नीचे बर्फ है। अच्छा तो है बेटा, शरीर जितना ठंडा होगा जलने में उतना ही आनंद आएगा। गुरुजी, आपने ये क्या किया, मर जाने दिया होता मुझे। अगले अगर तुझे कुछ हो जाता तो गंगा क्या कहती मुझे? क्या आपके परिवार ने मेरा सुहाग तो उजाड़ दिया था, आज आज मेरी गोद भी उजाड़ दी। गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। गुरुजी, नहीं नहीं हराम, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं। वो जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया, वो नादान है, उसे क्षमा कर। क्षमा? क्षमा, क्षमा हमारी परंपरा है, उसकी रक्षा करना। तो मेरे परिवार में आकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिला, मुझे क्षमा कर दो। गुरुजी, गंगा जल, तुलसी, दिया, कुछ भी नहीं। हरि ओम। हरनाम। आ बेटा, आ बेटे, मेरे पास आ बेटे, नहीं तो तेरी माँ कहेगी कैसे पिता हो, अपने बेटे को आते समय प्यार भी नहीं किया। आ बेटे, आ बेटे। जीते रहो बेटा। हरिओ राम सीता राम।
अपने दादा का खून किया है। ये झूठ है। ये सच है। मुझे अपने दादाजी की चिता की सौगंध, मेरे दादा का खून इसी ने किया है। ले चलो इसे। नहीं। और मरने वाले के शरीर को भी। तुम जाके माजी को खबर कर दो। भारत का क्या हुआ? भारत? हाँ, गंगा बहन, पोस्टमार्टम के बाद पिताजी का शरीर कल मिलेगा। उनके शरीर की सौगंध, अंतिम संस्कार की कोई भी रस्म उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक भारत नहीं होगा। मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, अच्छा किया। लोग पराई चिता को प्रणाम करते हैं और इसने इसने अपने दादा के साथ क्या किया? बॉल, बॉल, खून भारत ने किया है। माँ, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ। बॉल, खून किसने किया है? मेरे साथ चलकर पुलिस वालों से असलियत कहेगा या नहीं? बॉल, दादाजी का खून भारत ने नहीं, मैंने किया है। खून मैंने किया है। हरे राम, हरे कृष्ण। प्रणाम पिताजी। जी चलो। प्रणाम माताजी। टेलीग्राम मिलते हैं, हम फौरन चल पड़े। भारत का क्या हुआ? भगवान की दया से सब ठीक हो गया। ओपी जेल में है और भारत अंदर घर में है। आइए। कौशल्या, ओंकार बहुत छोटा था जब मैं उसे छीन कर तुमसे दूर ले गया। वो वही बना जो मैंने उसे बनाया। दोष उसका नहीं, मेरा है। मुझे क्षमा कर दो। गुड मॉर्निंग। तुम कब आए? पहले तक तो साहब के साथ ही था, आफ्टर दैट बनारस चला गया। ओ, और ये कौन है? मेरी धर्म पत्नी। अच्छा, तुमने शादी भी कर ली है? शादी तो 40 साल पहले ही हो चुकी थी, गाँव ना अब करा है। अच्छा, जय सीताराम। चलो अंदर चलो। चलो सिस्टर, पति के लिए 40 बरस सिर्फ यहाँ की औरत ही इंतजार कर सकती है। मैं समझ गया हूँ, तुम भी समझ जाओ। Thank you.
रखने रखता हूँ, तू भाग जा। नाम पच्छम पच्छम करता रहा, क्या मिला पच्छम से उसे, पच्छम ने उसे क्या दिया। यहां रहकर दिन बेकार हो गए, वहां रहकर जिंदगी बेकार हो गई, उसका कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं वापस नहीं जाऊंगा। What do you mean? कह दिया ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। सोच लो। इसमें सोचना क्या है, यह भी कोई कंट्री है रहने के लिए? रहने के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जीने के लिए जरूर है। माय फुट, मैं कल जाऊंगी। अकेली? अकेली क्यों, प्रीति मेरे साथ जाएगी, भारत जाएगा मेरे साथ। भारत? क्यों, भारत ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रीति के साथ वापस लंदन जाएगा और शादी करके वहीं रहेगा, कहा था या नहीं? हाँ कहा था। कहा था? मैं जानती हूं मेरे बेटे ने यह वचन क्यों दिया था। आप विश्वास रखिए, हम वचन देकर उसका पालन करते हैं। तो ठीक है प्रीति, हम कल वापस जाएंगे, अपना सामान बांधो। जाने का फैसला पक्का है? ऑफ कोर्स। ये लो टिकट है। थैंक यू। ये प्रीति कहाँ चली गई? प्रीति? भारत, प्रीति कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ बेटा, ये उसका फैसला है। विश्वास जीत गया। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश।